Assalamu alaikum and welcome back to our video lecture series of class 11 mathematics. And in this series we have started chapter number 4 sequence and series. और हमने लास्ट वीडियो के अंदर स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 4.1 के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखा था और क्वेश्चन नंबर 1 को भी अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी. और आज इस वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट फर्दर क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे. तो थोड़े इजी क्वेश्चंस होने वाले हैं, ठीक है. लाइक तो बेसिकली यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, ठीक है, इसके 8 पार्ट्स हैं. तो कोशिश मेरी यह है कि मैं यहाँ पे जो मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट्स, वैसे तो सारे के सारे इजी ही हैं, ठीक है, कुछ भी इसके अंदर डिफ़िकल्टी नहीं होने वाली, फिर भी जो दिखने में हमें ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहे हैं तो कोशिश करेंगे कि उन्हें सॉल्व करते हैं और बाकी आपके ज़िम्मे होंगे. तो आइए स्टार्ट लेते हैं. पहले तो फर्स्ट वाले से ही हम स्टार्ट ले लेंगे. तो फर्स्ट में हमारे पास यहाँ पर आ रहा है 2n/3 (n+1). और मेन क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि हमें फर्स्ट 5 टर्म्स जो हैं वो फाइंड आउट करके लानी है, ठीक है. तो हमें याद होना चाहिए स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो n यहाँ पे मौजूद होता है ये किससे बिलोंग करता है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, है ना भाई. ये हमारे पास नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, मतलब यहाँ पे हम n की जगह 1 से लेकर अप टिल इन्फिनिटी कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, सही है. लेकिन हमें यहाँ पे फर्स्ट 5 टर्म्स यहाँ पे चाहिए, मतलब हम n की जगह क्या रखेंगे, 1, 2, 3, 4 and 5, सही है. तो स्टार्ट लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 से. तो स्टूडेंट्स पार्ट 1 में हमारे पास यहाँ पे है 2n/3 (n+1), सही है. तो यहाँ पे हमें फर्स्ट 5 टर्म्स चाहिए, तो सबसे पहले लिखेंगे फॉर n इक्वल्स टू 1. तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 2 × 1/3 (n+1), सही है. जहाँ जहाँ मेरे पास n था वहाँ पर मैंने 1 जो है वो पुट कर दिया है. तो दिस विल नाउ बिकम 2 × 1 (2) (n+1) हो जाएगा. सिंपल इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4/3. फर्दर इसे सॉल्व करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है, तो यहीं तक रखेंगे स्टूडेंट्स और आगे फाइंड करेंगे हम फॉर n इक्वल्स टू 2, सही है. तो ये हो जाएगा 2 × 2/3 (2+1), सही है स्टूडेंट्स. तो 2 × 2 = 4 होगा, अपॉन में 3 है, ये 2 + 1 = 3 के बराबर. एंड वी नो दैट 3 and 3 विल बी कैंसल्ड आउट, सो बच जाएगा हमारे पास जस्ट 4, सही. देन वी हैव n = 3, सही है. तो ये स्टूडेंट्स हो जाएगा आपका 2 × 3/3 (3+1). तो इस केस में यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल, 2 बचेगा एंड 3 + 1 विल बी 4. तो 2 × 4 = 8, है ना. हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स इस 3 से ये वाला 3 कैंसिल करते, तो स्टूडेंट्स ऐसा नहीं होता, ठीक है. यहाँ पे हमारे पास प्लस की साइन आ रही है जो कि इस चीज़ को अवॉइड करेगी कि ये 3 और ये 3 आपस में कैंसिल हो सके, सही. तो इस चीज़ पे आपने ख्याल रखना है. देन वी हैव फॉर n इक्वल्स टू 4, ठीक है. तो ये हो जाएगा 2 × 4/3 (4+1), एंड 2 × 4 = 8. तो 8/3 (5), तो ये होगा 40/3, सही. और लास्ट में हम फॉर n इक्वल्स टू 5 कैलकुलेट करेंगे, तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 2 × 5/3 (5+1). पीछे नीचे हो गया, थोड़ा सा ऐसे ऊपर करके, और यहाँ से भी हम थोड़ा स्पेस क्रिएट कर लेते हैं जी. तो ये 5+1 है, सही है. 2 × 5 = 10 आएगा, (3), और यहाँ पे आ जाएगा 6. तो 3 × 1 = 3, 2 × 2 = 10 = 20. तो जो हमारे पास यहाँ पे सीक्वेंस आ रही है, लेट सपोज कि हमारे पास सीक्वेंस का नाम एस है, तो इसके अंदर हमारे पास वैल्यूज कौन सी आएंगी, 4/3, 4, 8, 40/3 and 20, सही. हमें फर्स्ट 5 टर्म्स का कहा था, तो ये हमारे पास फर्स्ट 5 टर्म्स आ गए, सही है. तो मुझे नहीं लगता कि इतना काफ़ी ये टफ होने वाला है, सही है. फिर भी हम इसमें नेक्स्ट पार्ट जो है वो अटेम्प्ट करके देखते हैं, ठीक है.
तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट टू है यहाँ पर, हो सकता है ये डॉट जो यहाँ पे लगा हुआ है ये किसी स्टूडेंट्स को बॉदर करे, तो इसलिए मैं ये वाला पार्ट यहाँ पे करवा रहा हूँ। माइनस वन होल पावर एन प्लस वन, और ये डॉट है हमारे पास विच मीन्स मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय थ्री पावर एन माइनस वन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एन की जगह हमने वन से लेके फाइव तक नंबर्स रखते जाने हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे फॉर एन इक्वल्स टू वन, सो दिस विल बी माइनस वन पावर वन प्लस वन इंटू थ्री पावर वन माइनस वन। तो स्टूडेंट्स ये वन प्लस वन टू होगा, माइनस वन का स्क्वायर स्टूडेंट्स प्लस का वन आता है, थ्री की पावर वन माइनस वन तो ये ज़ीरो, और किसी भी नंबर की पावर ज़ीरो हो वो वन के बराबर होती है। चले लिख के बता देते हैं हम यहाँ पे थ्री पावर ज़ीरो, और हम जानते हैं किसी भी नंबर की पावर ज़ीरो हो वो वन के बराबर, तो ये हो जाएगा हमारे पास वन मल्टीप्लाई बाय वन, तो फाइनल हमारे पास आएगा वन वन ज़ा वन। ये 1.1 नहीं है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये वन मल्टीप्लाई बाय वन है। ठीक है, देन वी हैव फॉर एन इक्वल्स टू टू, ठीक है, तो दिस विल बी माइनस वन पावर टू प्लस वन इंटू थ्री पावर टू माइनस वन। तो स्टूडेंट्स माइनस वन की पावर अब देखें ऑड आने वाली है, तो किसी भी नेगेटिव वैल्यू की पावर ऑड हो तो साइन माइनस की लगती है, तो और वन की तो कोई भी पावर रखे आंसर वन आता है, तो ये माइनस का वन हो जाएगा इंटू टू माइनस वन तो वन आता है, मतलब थ्री की पावर वन होगी, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का थ्री आंसर सही हो गया। फर्दर नेक्स्ट वी हैव फॉर एन इक्वल्स टू थ्री, सो दिस विल बी माइनस वन पावर थ्री प्लस वन इंटू थ्री पावर थ्री माइनस वन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अब इवन पावर होगी तो आंसर पॉजिटिव वन आएगा, और थ्री माइनस वन टू होता है तो ये थ्री का स्क्वायर, एंड वी हैव नाइन एज आर फाइनल आंसर। ठीक है, देन फॉर एन इक्वल्स टू फोर करके देखें, तो भाई ये हो जाएगा हमारे पास माइनस वन पावर फोर प्लस वन इंटू थ्री पावर फोर माइनस वन, ये हो गया हमारे पास माइनस का वन, और यहाँ पे पावर आ जाएगी थ्री का क्यूब, सही है, तो फाइनली हमारे पास माइनस का 27 आएगा। ठीक है, देन फॉर एन इक्वल्स टू फाइव करके देखें, यहाँ पे कर लेते हैं फॉर एन इक्वल्स टू फाइव, मतलब माइनस वन की पावर फाइव प्लस वन एंड थ्री की पावर फाइव माइनस वन। ठीक है, तो ये तो पावर इवन है, मतलब आंसर पॉजिटिव, थ्री की पावर फाइव माइनस वन मतलब थ्री की पावर फोर, तो फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा 81, सही है। तो अब यहाँ पे सीक्वेंस लिख देंगे स्टूडेंट्स, सीक्वेंस हमारे पास स्टार्ट होगी वन माइनस थ्री नाइन माइनस 27 एंड प्लस 81। ठीक हो गया स्टूडेंट्स यहाँ तक, तो आई गेस ये वाला भी क्वेश्चन सारे स्टूडेंट्स के लिए ईजी रहेगा, है ना। अब पार्ट थ्री आप देखें, फोर देखें, फिफ्थ एंड सिक्स, ये चार पार्ट्स मेरे ख्याल से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं होते तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, ठीक है, तो मैं इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। फर्दर हम आगे मूव कर रहे हैं पार्ट सेवन एंड पार्ट एट की तरफ, ठीक है, तो उसे जल्दी से देख लेते हैं। डिलीट ही कर देते हैं इस तरीके से, सही। अच्छा जी, अब पार्ट सेवन की बात करें तो पार्ट सेवन में हमारे पास है ए एन प्लस वन इज इक्वल टू सिक्स प्लस ए एन, और हमसे कह रहे हैं कि ए वन जो है ना वो आपके पास टू के बराबर है। इसका मतलब ये ज़रा भी नहीं है कि आप एन की जगह वन रख नहीं सकते। तो भाई यहाँ पे हम सबसे पहले वही जो हमारा तरीका था फॉर एन इक्वल्स टू वन हम पुट करेंगे, ठीक है ना, हमें बेसिकली इस एक्सप्रेशन के अंदर वैल्यूज पुट करनी है, सही है। तो ये हो जाएगा n मतलब 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 6 प्लस ए वन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये ए टू आएगा, है ना, मतलब सेकेंड टर्म, और 6 प्लस ए वन है, ए वन हमें गिवन थी 2 के बराबर, तो यहाँ पे प्लस 2 लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास हो गया 6 प्लस 2 8 के बराबर, विच मीन्स के सेकेंड टर्म हमारे पास किसके बराबर है 8 के, ठीक है। नाउ वी विल यूज़ एन इक्वल्स टू टू, ठीक है,
तो ये होगा 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 6 प्लस a2, सही है। तो ये हो जाएगी आपके पास a3 और 6 प्लस, स्टूडेंट्स a2 है तो a2 की जगह पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे विच वॉज 8, तो ये आ जाएगा आपके पास 6 प्लस 8 14, सही है। देन वी हैव फॉर n इक्वल्स टू 3, मतलब a3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 6 प्लस a3, ठीक है, मतलब a4 आने वाली हमारे पास, और ये हो जाएगा 6 प्लस a3 का मतलब स्टूडेंट्स हमारे पास 14 होगा, तो ये हो जाएगा a4 इक्वल्स टू 6 प्लस 14 20 के बराबर, ठीक हो गया। अब फाइनली हम यहाँ पे लास्ट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सर पिछले केसेस के अंदर तो लास्ट वैल्यू तब आ रही थी जब n 5 के बराबर था, यहाँ पे तो हम 4 रख रहे हैं, तो भाई ये मैं समझाता हूँ अभी मैं। तो a 4 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 6 प्लस a4, ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 20, मतलब 26 के बराबर, सही हो गया। a5 आ रहा है, ये है ना भाई फिफ्थ टर्म आ रही है, हमसे यही तो कह रहा था कि हमें स्टार्टिंग की 5 टर्म्स यहाँ पे चाहिए, तो हमारे पास आ चुकी है। फर्स्ट टर्म हमें गिवन थी विच वॉज 2, सेकेंड टर्म हमने फाइंड की 8, फिर 14, 20 एंड देन 26, सो दिस विल बी आर फाइनल आंसर, ठीक है। तो आई गेस इसका जो पार्ट 8 है वो भी कुछ इसी तरीके से मेरे स्टूडेंट्स कवर अप कर लेंगे, है ना, आपने सिंपल 1 से स्टार्ट लेना है, सही है। तो यहाँ पे जब आप बल्कि नहीं मैं करवा देता हूँ, ये इसको थोड़ा सा मूव करना पड़ेगा आपको, चले भाई। तो पार्ट 8 की बात करते हैं अब हम, तो स्टूडेंट्स 8 पार्ट के अंदर हमारे पास आ रहा है ए एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय ए एन प्लस 1, सही है। तो इन्होंने थोड़ी चालाकी की है, इन्होंने इसको अलग तरीके से दे दिया, आपने क्या करना है इस 2 और n को वहाँ पे लेके जाना है, तो ये हो जाएगा 2an अपॉन n इज इक्वल्स टू ए एन प्लस 1, या फिर इसको हम लिख सकते हैं ए एन प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए एन डिवाइडेड बाय n, सही है। और a1 जो है वो हमारे पास 1 के बराबर है, अब देखिए हम यहाँ पे अब लिखेंगे फॉर n इज इक्वल्स टू 1, तो ये हो जाएगा a 1 प्लस 1, सही है, इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स a1 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है, मतलब ये आने वाला है 2 टाइम्स a1 की जगह तो 1 रखेंगे और डिनोमिनेटर पर 1 शो होता नहीं है तो ये 2 आएगा, फिर आपने n की जगह 2 रखना है, ठीक है, तो दिस विल बी a 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स a2 डिवाइडेड बाय 2, सही है, 2 से 2 कैंसिल और a2 की जगह आपने रख दिया 2, तो a3 जो आपके पास आ रहा है वो भी 2 ही आ रहा है, फिर आप रखेंगे यहाँ, फिर आप यहाँ पे रखेंगे फॉर n इज इक्वल्स टू 3, तो स्टूडेंट्स दिस विल बिकम 3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स a3 डिवाइडेड बाय 3, है ना, 3 आएगा यहाँ पर, सही, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 3 और a3 की वैल्यू स्टूडेंट्स 2 आई है, तो दिस विल बी जस्ट 4 अपॉन 3, सही हो गया। नाउ वी विल n इज इक्वल्स टू 4, सही है, तो ये होगा a4 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स, बल्कि a4 नहीं आएगा, यहाँ पे a4 है तो यहाँ पे 5 बन जाएगा ना, 4 प्लस 1, सही, तो 2 इंटू a4 डिवाइडेड बाय 4, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास हो जाएगा 2 वन ज़ा इंटू 2 ज़ा और a4 की जगह हम 4 अपॉन 3 रखेंगे, डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 आ रहा है, सही है, लार्ज फ्रैक्शन के बाद वाली वैल्यू देखिए उलट हो जाती है, रेसिप्रोकल हो जाती है, मतलब 4 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 2, ये उलट हो जाएगी, तो ये 2 अपॉन 1 है, 1 अपॉन 2 बन जाएगा, 2 वन ज़ा 2 टू ज़ा, तो ये आ गया मेरे पास 2 अपॉन 3, किसकी वैल्यू स्टूडेंट्स, ये a5 की वैल्यू है, सही है। तो यहाँ पे लास्ट में हम जो इसका सेट बनाएंगे, ठीक है, जो सीक्वेंस बनाएंगे उसमें फर्स्ट वैल्यू 1, सेकंड 2, थर्ड भी 2, फोर्थ आएगी हमारे पास 4 अपॉन 3 और फिफ्थ आ जाएगी 2 अपॉन 3 एंड दिस विल बी अ फाइनल
आंसर। ठीक हो गया, अब मूव करते हैं स्टूडेंट्स हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो भाई क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमारे पास बिल्कुल मोर और लेस ये पार्ट 7 और पार्ट 8 जो मैंने यहाँ पे करवाया बिल्कुल वही बात कर रहा है कि फाइंड द सीक्वेंस बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, है ना। फॉर्मूला के अंदर ए को हटा के इन्होंने टी लिख दिया है, बाकी फॉर्मूला वही है, टी एन प्लस वन इज इक्वल टू एन प्लस वन इन टू टी एन, सही है। और टी वन हमसे कह रहा है कि भाई 2 के बराबर है। अब यहाँ पे ये बात नहीं कर रहा कि आपने कितनी वैल्यूज निकाल ली है, तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई यहाँ पे इनफाइनाइट तक जाता है तो आप इनफाइनाइट तो वैल्यूज नहीं निकालोगे। तो भाई मोस्ट केसेस में आप फर्स्ट 5 वैल्यूज निकाल लेते हो और फिर आगे डॉट डॉट लगा के बात ख़त्म कर देना, सही है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर एन इक्वल्स टू 1, ये हो जाएगा टी 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इन टू टी 1, सही है। तो 1 प्लस 1 2 होगा, टी 1 की वैल्यू भी 2 है, तो ये आ जाएगा 4। किसकी वैल्यू आई है, टी 2 की वैल्यू आई। नाउ वी विल फाइंड फॉर एन इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 इन टू टी 2, सही है। और ये हो जाएगा 3 और टी 2 4 है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 12। ये किसकी वैल्यू स्टूडेंट्स, ये टी 3 की वैल्यू है। नाउ फॉर एन इज इक्वल टू 3, तो दिस विल बी 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 प्लस 1 इन टू टी 3, सही है। ये आ जाएगा 4 और टी 3 12 है, तो 4 12 ज़ा, ये स्टूडेंट्स हमारे पास होता है 48, है ना। देन लास्टली हम यहाँ पे एन इज इक्वल्स टू 5 रखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टूडेंट बनेगा टी 4 रखोगे ना भाई, 3 रखा था 4 रखेंगे, 4 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4 प्लस 1 इन टू टी 4, और 4 प्लस 1 5 के बराबर, टी 4 हमारा 48 है। तो ये आपके पास वैल्यू आएगी 240, सही है ना। तो एंड में बस आप सीक्वेंस बना दें और बस जो आप क्या कर देंगे डॉट डॉट लगा देंगे। देखें इस तरीके से एस इज इक्वल्स टू फर्स्ट हमारे पास 2, देन 4, देन 12, देन 48, देन 240, और फर्दर हमारे पास 3 डॉट आएंगे विच इंडिकेट्स के ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है, सही है। एंड दिस विल बी आर फाइनल आंसर, सही है। तो आई गेस आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह फर्दर आपसे बातचीत रहेगी और नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, अल्लाह हाफ़।